विक्रम जी ने एक उनका खुद का अनुभव बताया था, ये नवा अनुभव था जो उन्होंने मुझसे शेयर किया था। इसका नाम है बहन बेटी। तो ये रिश्तों में जो उतार चढ़ाव आते हैं, कब बहन बुआ बन जाती है और बेटी का महत्व बन जाता है, जैसे बोलते हैं ना फूफा का महत्व कम हो जाता है जब दामाद आ जाता है, उसी के ऊपर की ये कहानी। पिताजी जोर से चिल्लाते हैं, मैं दौड़कर आता हूँ और पूछता हूँ, क्या बात है पिताजी? पिताजी, तुझे पता नहीं है आज तेरी बहन आ रही है, वह इस बार हम सभी के साथ अपना जन्मदिन मनाएगी। अब जल्दी से जा और अपनी बहन को लेके आ। हाँ, और सुन, तू अपनी नई गाड़ी लेकर जा जो तूने कल खरीदी है, उससे अच्छा लगेगा। मैं, लेकिन मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त ले गया है सुबह ही, और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर ये कहकर ले गया है कि गाड़ी की ब्रेक चेक करवानी है। पिताजी, ठीक है तो तू स्टेशन तो जा किसी की गाड़ी लेकर या किराया की करके, उसे बहुत खुशी मिलेगी। मैं, अरे वह बच्ची है क्या जो आ नहीं सकेगी? आ जाएगी, आप चिंता क्यों करते हो, कोई टैक्सी या ऑटो लेकर। पिताजी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? घर में गाड़ियाँ होते हुए भी घर की बेटी किसी टैक्सी या ऑटो से आएगी? मैं, ठीक है आप जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। पिताजी, तुझे अपनी बहन की थोड़ी भी फिक्र नहीं? शादी हो गई तो क्या पहन पराई हो गई? क्या उसे हम सबका प्यार पाने का हक नहीं? तेरा जितना अधिकार है इस घर में उतना ही तेरी बहन का भी है। कोई भी बेटी या बहन मायके छोड़ने के बाद पराई नहीं होती। मैं, मगर मेरे लिए वो पराई हो चुकी है और इस घर पर सिर्फ मेरा अधिकार है। इतना पिताजी ने सुना ही था कि जोर से दो आवाज़ें गूंजी, तड़ाक तड़ाक। अचानक पिताजी का हाथ उठ जाता है मुझ पर और तभी माँ आ जाती है। मम्मी, आप कुछ शर्म तो कीजिए, ऐसे जवान बेटे पर हाथ बिल्कुल नहीं उठाते। पिताजी, तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? अपनी बहन को पराया कहता है। ये वही बहन है जो इससे एक पल भी जुदा नहीं होती थी, हर पल इसका ख्याल रखती थी, पॉकेट मनी से भी बचाकर इसके लिए कुछ ना कुछ खरीद देती थी, विदाई के वक्त भी हमसे ज़्यादा अपने भाई को गले लगाकर रोई थी, और ये आज उसी बहन को पराया कहता है। मैं, मुस्कुराते हुए मैंने कहा, बुआ का भी तो आज ही जन्मदिन है ना पापा, वह कई बार इस घर में आई है मगर हर बार ऑटो से आई है, आपने कभी अपनी गाड़ी लेकर उन्हें लेने नहीं गए। माना वह आज वह तंगी में है मगर कल वह भी बहुत अमीर थी, आपको मुझको इस घर को उन्होंने दिल खोल कर सहायता और सहयोग किया है। बुआ भी इसी घर से विदा हुई थी, फिर रश्मि दीदी और बुआ में फ़र्क कैसा? रश्मि मेरी बहन है तो बुआ भी तो आपकी बहन है। पापा, आप मेरे मार्गदर्शक हो, आप मेरे हीरो हो, मगर बस इसी बात से मैं हर पल अकेले में रोता हूँ कि तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। तब तक पापा भी मेरी बातों से पश्चाताप की आग में जलकर रोने लगे, और इधर मैं भी कि दीदी दौड़कर मम्मी पापा के गले मिलती है, लेकिन उनकी हालत देखकर पूछती है कि क्या हुआ पापा? पापा, तेरा भाई आज मेरा भी पापा बन गया है। रश्मि, ए पागल, नई गाड़ी ना बहुत ही अच्छी है, मैंने ड्राइवर को पीछे बिठाकर खुद ही चला के आई हूँ, और कलर भी मेरी पसंद का ही है। मैं, हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी, वह गाड़ी है, गाड़ी आपकी है और हमारे तरफ से आपको बर्थडे गिफ्ट। बहन सुनते ही खुशी से उछल पड़ती है कि तभी बुआ भी अंदर आ जाती है। बुआ, क्या भैया, आप भी ना, ना फ़ोन ना कोई खबर, अचानक भेज दी गाड़ी, आपने भाग कर आई हूँ खुशी से, ऐसा लगा कि पापा आज भी जिंदा है। इधर पिताजी अपनी पलकों में आंसू लिए मेरी ओर देखते हैं और मैं पापा को चुप रहने का इशारा करता हूँ। इधर बुआ कहती जाती है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे बाप जैसा भैया मिला, ईश्वर करे मुझे हर जन्म में आप ही भैया मिले। पापा मम्मी को पता चल गया था कि ये सब प्रिंस की करतूत है।
मगर आज फिर एक बार रिश्तों की मजबूती से जुड़ते देखकर वह अंदर से खुशी से टूटकर रोने लगे। उन्हें अब पूरा यकीन था कि मेरे जाने के बाद भी मेरा बेटा रिश्तों को सदा हिफाजत में रखेगा। बेटी और बहन, ये दो अनमोल शब्द हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि शादी के बाद बेटी और बहन किसी की पत्नी तो किसी की भाभी और किसी की बहू बनकर रह जाती है। शायद लड़कियां इसीलिए मायके आती होगी कि उन्हें फिर से बेटी और बहन शब्द सुनने को बहुत मन करता होगा। तो ये कहानी थी जिसमें बेटी कब से बहन और बेटी और बुआ में जो फ़र्क है वो बताया गया है। धन्यवाद।